तो भाइयों यहाँ पे देखिए गाड़ी खड़ी है, सब ड्राइवर लोग हैं, वहाँ पे भी एक ड्राइवर बैठे, इधर एक बेंटली में भी ड्राइवर, एक रेंज रोवर में भी। तो चलिए अगर कोई बात करता है तो उनसे बात करते हैं। चेक करना पड़ता है आपके पास अगर असली लाइसेंस कुवैत का है जी, तो बहुत आसान है, पैसा ऐसा नहीं लगता है, ये सब कफील लोग फ्री देते हैं। मेरी सैलरी बताई थी 1800। अच्छा, तो यहाँ पे आए तो वही सैलरी आपको मिली? हाँ 1800। और खाना? खाना हमारे घर में रेंज रोवर ये है जी, एक BMW 750i है, LII से ही कुछ करके नाम है जी जी, और एक निसान पेट्रोल है जी, और एक कौन सी है लैंड क्रूजर है जी, लैंड क्रूजर तो हर घर में यहाँ रहती है कफील का। और हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना समरकंद दोस्तों, आज मैं आया हूँ ये मॉल के बाहर फिर से, तो यहाँ पे सब ड्राइवर लोग वेट कर रहे हैं, तो एक भाई ये भी वेट कर रहे हैं, तो चेकेंगे अगर ये बात करना चाहें तो इनसे बात करेंगे। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई ठीक है भाई, दो चार मिनट बात करना था, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप हाउस ड्राइवर है तो बस लोगों से पूछते हैं कैसा काम है क्या है, तो क्या हम आपकी वीडियो बना सकते हैं? क्या बनाएंगे, बस ये बात करेंगे इंटरव्यू से हमसे भाई इसके बारे में, तो आके 5 मिनट अंदर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं? चलिए अंदर चल के बात करते हैं, फिर इनसे नाम और सब पूछेंगे। तो ये भाई बैठे हैं, भाई की गाड़ी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये रेंज रोवर है। आप लोग को गाड़ी दिखा देते हैं भाई की, ये देखिए फुल ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई, थोड़ा भाई ये कह रहे भाई कौन सी गाड़ी है ये बताइए, जरा आप बताइए। ये रेंज रोवर स्पोर्ट है, रेंज रोवर स्पोर्ट है, फुल ऑटोमेटिक, ये देखिए आप, और ये देखिए पीछे भी कुछ इस तरह की है। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं, गाड़ी तो हमने देख ली। तो भाई पहले तो आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद लाइक सिद्दीकी। मोहम्मद? मोहम्मद लाइक सिद्दीकी। लाइक सिद्दीकी, कहाँ से हैं भाई आप? उत्तर प्रदेश बाराबंकी। पहले तो ये बताओ इंडिया में कभी ऐसी गाड़ी चलाई थी? इंडिया में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ऐसी गाड़ी कभी कदार देखने को मिलती है। अच्छा, देखने को मिलती है जैसे बाराबंकी में तो फिलहाल दिखती है गाड़ियाँ, मुंबई दिल्ली वाला कोई एक हाथ कभी कदार वो भी दिखती है, लखनऊ के अंदर तो दिखती रहती है इक्का दुक्का, लखनऊ में दिख जाती है इक्का दुक्का, लेकिन यहाँ यहाँ पे तो हर ड्राइवर रेंज रोवर मर्सिडीज BMW बेंटली रोल्स रॉयस ये सब चला तो रहे हैं आप जी। तो भाई ये बताओ आपके घर में कौन कौन सी गाड़ी है? जी हमारे घर में रेंज रोवर ये है जी, एक BMW 750i है, LII से ही कुछ करके नाम है जी जी, और एक निसान पेट्रोल है जी, और एक लैंड क्रूजर है जी, लैंड मॉडल लैंड क्रूजर तो हर घर में यहाँ रहती है कफील का, और एक ऑडी है। ऑडी है, चार गाड़ियाँ तो मैडम की हैं, कभी इससे जाती है तो कभी उससे, कभी उससे, कभी उससे, चार गाड़ी एक ही मैडम की है, मैडम और मैडम की लड़की, मैडम और यानी मैडम के अंडर में चार गाड़ियाँ हैं। हाँ, चार गाड़ियाँ। तो देखा भाई यहाँ पे एक फैमिली में 5-6 कार रहना लाजिम है, और लेडीज लोग यहाँ पे रेंज रोवर BMW ऑडी से चलती हैं, लड़के लैंड क्रूजर चलाते हैं। हाँ, जो कफील लोग होते हैं यहाँ के, जो लड़के होते हैं वो सब लैंड क्रूजर चलते हैं। अच्छा, तो भाई आपकी घर में काम हम सही है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। चलिए, तो आपको कितने साल हुए भाई कतर में? अभी तो मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी एक साल होने वाला है। अच्छा, इससे पहले मैं कुवैत में काम करता था। अच्छा, हाँ। कुवैत के रिटर्न थे यहाँ पे वीजा लेके 4.5 years। अच्छा, तो यहाँ का वीजा मिल गया तो यहाँ, तो यहाँ पे अच्छा कुवैत रिटर्न जब आप यहाँ पे आए तो लाइसेंस के लिए आपको क्या करना पड़ा था? अच्छा, और अभी जब आप आए तो आपको ट्रेनिंग दी थी, कैसे लाइसेंस मिला था ये बताइए। कफील के पास फोटोकॉपी दी मैंने जी कुवैत की, फिर कफील ने इधर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में बात किया जी, उसने बोला कि बन जाएगा लाइसेंस, मुश्किल नहीं, तो उनको कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर टेस्ट, और सेम मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं, रिजल्ट आएगा उसमें तुम्हारा। अच्छा, तो आपको कंप्यूटर टेस्ट देना है पहली बार जी, अगर पास हो गए उसमें तो आगे आपको रोड टेस्ट देना है। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं तो पूरा टेस्ट मिलेगा तभी आपको लाइसेंस चेंज होगा, किसी भी कंट्री का लाइसेंस है आपके पास, आपको टेस्ट देना ही देना है। अच्छा, तो आप पहले टेस्ट में पास हो गए थे? पास हो गए थे कंप्यूटर में और उसमें दोनों में। कंप्यूटर टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं जी, तो 40 क्वेश्चन में 36 आंसर आपको सही देने ही देने जी, आपने दे दिए थे 36 दिए
तो आप पास, अगर 36-35 भी हो गया तो भी फेल कर देंगे। अच्छा, आप पास हो गए थे पहली बार में? 36-40 मैंने पूरे दिए। सही, चलिए 40। तो रोड पे क्या हुआ था फिर? पे कंप्यूटर पास किया, उसके बाद एक पेपर दिया उधर कफील ने, बोला फला दिन दूसरे दिन जो है इधर आ जाना सुबह में, वहाँ जाके मुरूर में पेपर जमा करना पड़ता है वो। जी जी, क्या बोलते हैं, ड्राइविंग स्कूल है जो। जी, पेपर दिया, उसके बाद में वहाँ पे नंबर आता है मेरा नाम। अच्छा, फिर पेपर दे के वो नाम बुलाएगा मोहम्मद लाई, तो उसके बाद रोड टेस्ट दिया, रोड टेस्ट में पास हो गया। पुलिस वाला बगल में बैठता है वो मालूम है। उसके बाद आपको पास करेगा, फिर आपको उधर 350 रियाल जमा करके बैंक कार्ड से जी आपको लाइसेंस तुरंत मिल जाएगा। चलिए ठीक है। आपने वीजा कहाँ से लिया था? वीजा तो ये मैंने ऑफिस से लिया है, लखनऊ से या अपने यहाँ पे? मुंबई से। डायरेक्ट नहीं लिया, मेरा एक दोस्त है वो ऑफिस से कनेक्ट है वो। तो वीजा लेने के टाइम कितने पैसे आपके लगे थे? टोटल मैंने पे किया था 85,000। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ तक आने का। जी जी, तो ये बताइए, तो आपकी यहाँ पे जब आए थे कितनी सैलरी एजेंट ने बताई थी? एजेंट ने मेरी सैलरी बताई थी 1,800। अच्छा, तो यहाँ पे आए तो वही सैलरी आपको मिली? हाँ, 1,800। और खाना? खाना मैडम का। तो घर ठीक मिला, कोई दिक्कत तो नहीं? माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। सबसे, अगर मैं तीन सफर करके आया, सऊदी, कुवैत, इधर तीसरा, ये तीनों में सबसे अच्छा कफील यही है माशाल्लाह। अच्छा, सबसे अच्छा कफील। अंधेरा लग रहा है कुछ, चलो बाहर चल के बात करते हैं, अगर बाहर आओगे 2 मिनट के लिए। चलो। तो भाइयों, बाहर आ चुके हैं और ये भाई खड़े हुए, भाई अपने यूपी के। तो भाई ये बताइए, तो आप जब आए थे तो आपको पहले महीने से, जब जिस दिन से आए थे उसी दिन से आपकी सैलरी चालू हो गई थी? हाँ, उसी दिन से चालू हो गई। अच्छा, तो भाई ये बताइए, तो घर में काम क्या क्या रहता है? काम ड्राइवर का? ड्राइवर का काम ये है कि आपको गाड़ी अपनी क्लीन रखनी है जी, और मैडम को कहीं जाना है जी, गाड़ी स्टार्ट करिए, फ़ोन किया जी से आ रहा, तो गाड़ी स्टार्ट करिए। और दूसरा काम ये है कि कुछ घर में वो छोटा मोटा काम आ गया अगर, तो वो बुला के करवा लेंगे, साफ सफाई, जैसे पानी आनी डालना है, हफ्ते में एक बार धुलाई कर देना है बाहर पे। पेड़ लगे तो पेड़ में पानी डालते होंगे आप? नहीं, पेड़ वेड़ ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, तो पानी डाला तो डाला उनमें। अच्छा, तो ये बताइए, इसमें कोई ड्यूटी होती है घर के काम में? क्योंकि आदमी पूछा करते हैं क्या ड्यूटी होती है घर के काम में, कोई ड्यूटी है? नहीं नहीं, कोई ड्यूटी नहीं है, बस ये है हर घर का मतलब अलग अलग हिसाब किताब होता है। कोई 12 बजे तक घूमता है, कोई 2 बजे तक घूमता है जी, और कोई 10 बजे तक घर में आ जाता है जी, ऐसा सिस्टम होता है। तो ड्यूटी की टाइमिंग कुछ बताइए? टाइमिंग कोई नहीं है घर के काम में, क्या है? कभी भी फ़ोन कर सकते। अच्छा, 24 घंटे में? 24 घंटे में कभी फ़ोन कर देते, कि ये तो आए नहीं कि उन हमारा उनका इत्तेफाक हुआ नहीं है, तुम्हारी 10-12 कंपनी वाला हिसाब होता है जी जी। और ड्राइवर का एक रूटीन होता है कि रोज़ डेली का वो 10 बजे तक घर में आ जाते हैं, बाकी उनको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी फ़ोन करेंगे जी। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे जो नए लोग आने चाह रहे हैं, वो कैसे आएँ, और उनके लिए कोई मैसेज है कि यहाँ पे काम रहता है? आज है, मुश्किल नहीं है भाई, जो आएगा अपने नसीब से आएगा, अपने नसीब का खाएगा। किसी का कफील अच्छा होता है तो भी एडजस्ट करता है अगर कर ले जाए, किसी का कफील नहीं भी बढ़िया भी है तो वो ड्राइवर की खुजली रहती है तो एडजस्ट नहीं कर पाता। बहुत सही बात बताया ये। तो जिसका कफील अच्छा है या नहीं भी अच्छा है, अगर जिसको वैसा कमाना है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करोगे बाहर तभी कुछ बन पाओगे। अच्छा, तो आपको कितना साल हो गए सफ़र करते हुए भाई? हमें तकरीबन टोटल हो गया 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से आप? तो इस घर में आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और कतर में? कतर भी बढ़िया है। कतर अच्छा लगा आपको? कहाँ कहाँ घूम के आए हो अभी तक? तो मैं सब घूम ही रहा। सऊदी कुवैत और तीसरा ये कतर। तो क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पे लगा? सबसे अच्छा लगा कतर के। हैं, चलिए ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। तो ये भाई यूपी के थे, इन्होंने खुल के बात करी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।